हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं केली प्राइस इंडेक्स के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। ये वेटेड प्राइस इंडेक्स का हमारा लास्ट वीडियो है। अभी तक हम देख चुके हैं सारी मेथड्स जो वेटेड प्राइस इंडेक्स की है और अनवेटेड प्राइस इंडेक्स की है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो केली प्राइस इंडेक्स है उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम देके रखी है कि कैलकुलेट केली प्राइस इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पे हमको कमोडिटी देके रखी है, बेस ईयर में प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी देके रखी है, और साथ में हमें करंट ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी देके रखी है। तो अगर मैं बात करूंगा केलीज प्राइस इंडेक्स के फॉर्मूले की, तो जो केलीज प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, केली प्राइस इंडेक्स, वो फॉर्मूला होता है P01। मतलब हम करंट ईयर के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं, और इसमें हम फॉर्मूला लिखते हैं टोटल ऑफ P1 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्यू, और डिवाइड में भी लिख रहा हूँ मैं टोटल ऑफ P0 मल्टीप्लाई में क्यू। यहाँ पे मतलब जो वेट है वो क्यू रहता है, फिक्स वेट रहता है। अभी क्यू का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेट रहेगा केलीज प्राइस वेटेड इंडेक्स में, तो यहाँ पे जो वेट है वो क्यू रहेगा, और इसको क्या बोलते हैं हम, फिक्स रहेगा ये। और क्यू का मतलब क्या रहता है कि जो हमारी बेस ईयर और करेंट ईयर की जो क्वांटिटी है उसका सम करके हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्यू का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, Q0 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसका एक और नाम होता है, इसको हम केलीज इंडेक्स को एक नाम से और जानते हैं, और इसका नाम क्या होता है, फिक्स वेट एग्रीगेट मैथड, ठीक है। फिक्स वेट एग्रीगेट मैथड, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्यू को फिक्स कर रहे हैं, ठीक। और इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ पे 100 से करेंगे, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो हमें पता है कि बेस ईयर का जो प्राइस रहता है उसको हम डिनोट किससे करते हैं, P0 से। बेस ईयर की जो क्वांटिटी है उसको डिनोट करते हैं Q0 से, Q मतलब क्वांटिटी, 0 मतलब बेस ईयर। सिमिलरली करंट ईयर का जो प्राइस रहता है उसको डिनोट करते हैं हम P1 से, और करंट ईयर की जो क्वांटिटी रहती है उसको हम डिनोट करते हैं Q1 से, ठीक। तो यहाँ पर जो डेटा लिखा है इसमें कमोडिटी दी है हमको 4 डिफरेंट टाइप्स की, और उनके प्राइस देके रखे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो P0 है 2345, यहाँ मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो ये हो जाएगा P0 बेस ईयर की प्राइस, फिर बेस ईयर की क्वांटिटी 7654, तो ये हो जाएगा Q0 बेस ईयर की क्वांटिटी, फिर नेक्स्ट 6282 करेंट ईयर का प्राइस, जो कितना हो जाएगा यहाँ पे P1, और लास्ट हो जाएगा करेंट ईयर की क्वांटिटी, जो हो जाएगा यहाँ पे Q1। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना रहेगा, सबसे पहले मुझे फाइंड करना रहेगा Q0 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये वैल्यू हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, तो ये वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसको मैं Q बोलूंगा, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, Q0 प्लस Q1, और इनका जो सम आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो देखिए, जब मैं ये वैल्यू फाइंड करूंगा तो ये Q0 और Q1 के जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है उनको जोड़ के डिवाइड बाय 2 करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 और 6, तो 7 प्लस 6 को जोड़ा और डिवाइड बाय 2 करा, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 6 13 बाय 2, दैट इज ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 6.5। सिमिलरली नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 दैट इज 9 डिवाइडेड बाय 2, तो जब मैं 9 को डिवाइड बाय 2 करूंगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4.5। नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे, 5 प्लस 5 दैट इज 10, तो 5 प्लस 5 दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 2 करा, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, और लास्ट वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 4 प्लस 4 दैट इज 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 8 बाय 2 मतलब क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, क्यू फाइंड कर लिया, है ना, जो हमारा फिक्स वेट था। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, P1 का मल्टीप्लाई क्यू में करेंगे। तो जब हम P1 का मल्टीप्लाई क्यू में करेंगे तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में मैं फाइंड करूंगा P1 मल्टीप्लाइड बाय क्यू, P1 मल्टीप्लाइड बाय Q। तो देखिए P1 हमको देके रखा है थर्ड वाले कॉलम में, और Q देके रखा है हमने जो हमने कैलकुलेट करी वैल्यू, ठीक है। तो जब मैं 6 का मल्टीप्लाई करूंगा 6.5 में, तो कितना आएगा, 6 या 36, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 39 आ जाएगा, ठीक। सिमिलरली जब मैं 2 का इंटू करूंगा 4.5 में, तो ये हो जाएगा 9, ठीक। जब मैं 8 का इंटू करूंगा 5 में, तो ये हो जाएगा 8 5 40, और उसके बाद जब मैं लास्ट 2 का इंटू करूंगा 4 में, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट P0 का इंटू क्यू में करेंगे। तो लास्ट वाले कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, P0 का मल्टीप्लाई क्यू में करेंगे। तो P0 आपको देखे रहेगा सबसे पहले कॉलम में P0, और मल्टीप्लाई करना है क्यू में करस्पॉन्डिंग वैल्यू का। तो 2 का मल्टीप्लाई अगर हमने करा 6.5 में,
तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 हो जाएगा। ठीक, फिर वैसे ही 3 का मल्टीप्लाई करा हमने 4.5 में, तो ये कितना हो जाएगा 13.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने क्या करा यहाँ पे 4 का इंटू करा 5 में, तो ये हो जाएगा 4 5 20, और लास्ट वैल्यू आएगी 5 का इंटू हमने करा 4 में, तो 5 4 20। अब हम लोग क्या करेंगे इन दोनों कॉलम्स का, जो लास्ट टू कॉलम हमने कैलकुलेट करे हैं, इसका हम क्या करेंगे यहाँ पे टोटल निकालेंगे। तो देखिए जब टोटल निकालेंगे हम किसका, P1 टाइम्स Q का, तो ये टोटल आ जाएगा 48 और 9 57 57 और 39, ये हो जाएगा हमारा टोटल 96। सिमिलरली जब आप टोटल निकालेंगे P0 टाइम्स Q का, तो ये टोटल आएगा 20 20 40 40 प्लस 13, ये हो जाएगा 53 53, और 13.5 ये क्या हो जाएगा 53 प्लस 13.5, ये हो जाएगा यहाँ पे 66.5। ठीक है, ये हो जाएगा 66.5। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे जो P01 है उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे P01 इक्वल्स टू टोटल ऑफ P1 टाइम्स Q, जो कितना आएगा 96 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ P0 टाइम्स Q, जो कितना आएगा 66.5 आएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि वेट हमारे यहाँ पे फिक्स जा रहा है Q, जिसको हमने बोला है Q का मतलब क्या होता है, करंट और बेस एयर की क्वांटिटी का सम को जोड़ के डिवाइड बाय 2 करना है। ठीक है, तो जब मैं 96 को डिवाइड करूंगा 66.5 से, तो ये वैल्यू आएगी मेरी P01 इक्वल्स टू 1.4436 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जो प्राइस इंडेक्स है केलिस प्राइस इंडेक्स, जब मैं इसका 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 144.36। तो ये आ गया हमारा केलिस प्राइस इंडेक्स का वैल्यू। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूले। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वांटिटी इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने प्राइस इंडेक्स पढ़ा है वैसे ही हम पढ़ेंगे क्वांटिटी इंडेक्स, और उसमें भी हम बहुत सारे वीडियोस लाने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूले। थैंक यू।